देखिए गाइस कितने सुंदर लग रहे हैं, ये वाला अच्छा लग रहा है। इधर कव्वाली चल रही गाइस, महंगा महंगा सब्जी क्यों बेच रहे हो यार, टमाटर 100 किलो वन बेचता है। तो हाय दोस्तों, जय जोहार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी, आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं गाइस। और अभी जा रहे हैं हम मार्केट, तो आप लोगों को दिखाएंगे हम अमरवाड़ा का मार्केट। तो अभी जा रहे हैं हम मंडी बाज़ार, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। अभी ये बज रहे हैं गाइस 5:30 और हम निकल रहे हैं। तो गाइस आज ताजिया भी है, इसी वजह से हमारे आज छुट्टी थी। तो हो सकता है आप लोगों को मैं आगे दिखा दूँ किस तरीके से ताजिया बनाया जाता है, ताजिया बोलते हैं। तो देखते हैं फिलहाल अभी, और सब लोग तो हमें ऐसे देख रहे हैं घूर घूर के कि जैसे कभी देखे ही ना हो गया। तो मैं तो दारू दारू इसको पीना गाइस, कोई इसको ला के दो, इसको उसको दारू की खुशबू आ रही है। हाँ कह रही है ना करने तो पी होंगी। बिल्कुल अंकल आ रहा है ना, सकल से पी ऐसे लग रहा है। तो इस तरीके से अभी आएंगे और अच्छे से दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमको लेट हो रहा है, मार्केट हमको जल्दी पहुंचना है। अभी 6:30 है इसलिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं लेना होता है। हम सबसे पहले यहीं पर आते हैं मिर्ची मसाला लेने के लिए, इससे आगे तो हम जाते ही नहीं है कभी ज़्यादा। अभी हम आए हुए हैं आलू लेने के लिए, और आलू भी यहाँ 40 रुपए किलो है, तो हम अभी 20 ही रुपए का ले रहे हैं। अभी आए हम कॉपी लेने के लिए, और 2 कॉपी हमने पसंद कर ली, लेकिन ये भैया तो भैया बहुत ज़्यादा महंगा बता रहे हैं कॉपियों का भी, बोल रहे हैं कि 2 कॉपी में 100 रुपये का भी नहीं दूंगा। तो चलो दूसरे दुकान में चलते हैं। अभी आ चुके हैं हम अंकल की दुकान में, अंकल से थोड़ी सस्ती वाली कॉपी मांगे हैं, तो अंकल ने बोले कि 1 रुपये कम नहीं करूँगा, देख लो। 10 रुपये तो गाइस अभी हम फिर से पहुंच रहे हैं, ताजिया देखना है। तो आप लोग काफ़ी हम दिखाती हूँ किस तरीके से हमारे द्वारा ताजिया होता है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए अच्छे से देखते हैं। अरे यहाँ चलिए देखिए गाइस कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे। अब देखिए ये वाला अच्छा लग रहा है। इधर कव्वाली चल रही गाइस, अल्लाह कर रहा है जब इज्जत रसूल की, अल्लाह कर रहा है जब इज्जत रसूल की, तो इज्जत से कैसे जाएगी उम्मत रसूल की। मुझे नहीं दे दो मेरा ईमान नबी है, मेरा ईमान नबी है, मेरा ईमान अभी नबी तेरी था। गाइस हम मार्केट करके आ चुके हैं, मार्केट से लाए 2 कॉपी आलू। इतना महंगा महंगा सब्जी क्यों बेच रहे हो यार,
नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि हम गरीबों का भी तो देखना चाहिए कि गरीबों के पास पैसे हैं कि नहीं है सब्जी भाजी लेने के लिए। और टमाटर 100 किलो कौन बेचता है, ये भी कोई बेचने की चीज़ है। गाइस दो भैया आ गए थे तो मैंने वीडियो बंद कर दी, खैर पहुँच गए हैं। तो आप लोग दुकान में बैठे और आप लोगों को हम दिखाने वाले थे ताजिया किस प्रकार का होता है। आज हमारी छुट्टी थी तो हमने सोचे थे कि हम घूमने जाएंगे, लेकिन आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो हम शाम शाम को निकले थे जब बारिश एंड हो गई तब। और ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया क्योंकि नहीं ये बहुत बस्ता ये टीन है तो आप लोगों को समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रही, इसलिए नहीं की थी। हमने सोचा था अगर टाइम मिल जाएगा जाने का तो हम जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे भी। हम गए लेकिन शाम को गए, तब तक उनका सारा कार्यक्रम जो भी उनका होता होगा फेस्टिवल में वो सब ख़त्म हो गया था तब गए हम। वहाँ पर प्यारे प्यारे ताजमहल बने हुए थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ताजिया। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक था और पहली बार देखी मैंने तो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों में से कौन मुसलमान है जो मुझे फॉलो किए हुए हैं, जो मुझे सब्सक्राइब किए हुए हो कमेंट करके बताइएगा, मुझे तो नहीं लगता लेकिन हो भी सकता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और आप सभी को ताजिया के लिए सारी शुभकामनाएं। और क्या होता उसमें मुझे नहीं पता कुछ भी, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे तो शुभकामनाएं तो दे ही सकती हूँ कुछ। आई होप आप सभी को ये ब्लॉग वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आप सभी को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। तो ठीक है, टाटा बाय बाय जय जवाहर।